उसके लिए डीजीपी की औकात अब ये रह गई है कि खाली बोतल की जांच डीजीपी, तो शराब पर तो इनकी सरकार चल रही, इनके पास कुछ और मुद्दा रहा नहीं, एक बोतल शराब वो भी खाली बोतल, और उसको उसको जांच करने के लिए डीजीपी को लगाया गया बंदी की, और पूरी सरकार ही चल रही है इनकी शराब के ऊपर ही। शराब के अलावा बिहार में कोई मुद्दा है क्या ही? कोई मुद्दा है? बड़ा बड़ा मुद्दा गौन हो जा रहा है, पप्पू देव हत्याकांड गौन, यहाँ समीर सिंह हत्याकांड गौन, दलित बच्ची के साथ में अपहरण और बलात्कार हो जाता है, हत्या कर दी जाती है गौन, सारा मुद्दा गौन। इतने लोग यही मारे गए आपके मुजफ्फरपुर में बॉयलर फट जाने से, सारा मुद्दा गौन। इनके लिए एक आध दो दर्जन लोग मर जाए वो तो कोई मुद्दा ही नहीं, इनके लिए मुद्दा है कि एक बोतल शराब पकड़ा जाए, और इनके एसपी के गाड़ी में अरवल में एसपी शराब पकड़ा जाता है वो मुद्दा कहीं दिखाई नहीं देता है। मुद्दा दिखेगा कौन? जो विधानसभा में बोतल शराब पकड़ा जाए, वो भी खाली बोतल, और उसको उसको जांच करने के लिए डीजीपी को लगाया जाता है, जैसे लगता है कि एलएमजी का बैरल पकड़ाया है, परमाणु हथियार पकड़ाया है। उसके लिए डीजीपी की औकात अब ये रह गई है कि खाली बोतल की जांच डीजीपी करते, तो शराब पर तो इनकी सरकार चल रही है, इनके पास कुछ और मुद्दा रहा नहीं रही है, दूसरे दूसरे पार्टियों पर, कभी राजद पर भरोसा, तो कहीं ना कहीं भरोसा, कभी राजद पर 15 साल भरोसा की, कभी जेडीयू पर भरोसा कर रही है, लेकिन 30 साल में मिला क्या सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय अपमान के, सिवाय पुलिसिया डंडे के, बिहारियों को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो अब नए पीढ़ी पर, नया नेतृत्व पर, बाकियों से हटकर जो केवल सत्ता के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं, जिनके पास विचार की कोई राजनीति नहीं रही और विचारों से पग पग पर समझौता कर लेते हैं, उनसे आप विकास की उम्मीद बिहार में नहीं कर सकते और बिहार में बदलाव की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो जो अपने विचारों पर तटस्थ है, जिसको पता है कि हमें किस रास्ते पर बिहार को लेकर जाना है और हम कैसे बिहारियों को पुनः उनको सम्मान की जिंदगी दे सकते हैं, कैसे बिहार को वापस विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकते हैं, उन पर भरोसा करना होगा बिहार, और बिहारियों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहार को तो एक बहुत बड़ा मार्केट समझा जाता है, यहाँ की 12 करोड़ आबादी देखकर यहाँ एक बहुत बड़ा इसको मार्केट समझा जाता है, और यहाँ राजनीति का केंद्र है, यहाँ प्रयोगशाला है राजनीति, यही प्रयोग होता है, और यहाँ से प्रयोग होकर उत्तर प्रदेश और उस रास्ते पर दिल्ली तक पहुंचता है। तो अब प्रयोग करने का समय नहीं है, बिहार में बहुत प्रयोग कर लिया गया, अब बिहारियों का उपयोग, बिहार में बिहारियों का इस्तेमाल कर करके तो पंजाब विकसित राज्यों की श्रेणी में चला गया, बिहारियों के श्रम का इस्तेमाल करके देखिए गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई सब चल रहा है, और बिहार, बिहार के लोग आज बिहार में अनाज के लिए तरस रहे, और साथ ही साथ हम सम्मान के लिए भी तरस रहे अलग राज्यों का। तो ये बिहार की जनता को समझना होगा, और ये बिहार का विकास यदि हम चाहते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, ये बिहार के लोग हैं या बाहरी लोग सुन रहे हैं, तो हम उनसे भी अपील करेंगे जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, ये बदलाव यदि आपको लाना है तो हरियाणा वाले लोग यहाँ लाकर आकर बदलाव नहीं लाए, तमिलनाडु और पंजाब वाले लोग यहाँ आकर बदलाव नहीं लाए, आप 4.5 साल तक खूब सोचिएगा कि बदलाव लाएंगे, और चुनाव के समय आएगा तो फिर उन्हीं दोनों के चंगुल से आप नहीं निकलिएगा तो बिहार में बदलाव नहीं है। बदलाव लाने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना होगा और वोट के समय भी आपको तटस्थ रहना होगा, जैसे आप 4.5 साल तटस्थ रहे तभी बिहार। शराबबंदी कानून में कुछ बदलाव की बात, पकड़वाने पे जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा, इस पे क्या कुछ? ये तो प्रयोग ही कर रहे हैं लगातार जब से शराबबंदी की। धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल तो पिछले 30 वर्षों से बिहार में हो ही गया, चाहे वो एमएलसी चुनाव हो, चाहे एमएलए चुनाव हो, चाहे एमपी चुनाव हो, और धनबल का इस्तेमाल राज्यसभा सांसद के चुनाव में भी होता है। इसमें तो कहीं कोई दो मत है ही नहीं कि धनबल का और बाहुबल का इस्तेमाल चौतरफा किया जाता है, मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है, जैसे अनंत सिंह जी को फेंक दिया गया नीतीश बाबू की तरफ से, जैसे मुन्ना शुक्ला जी को फेंक दिया गया, जैसे सुनील पांडे को फेंक दिया गया, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिनके बाहुबल का इस्तेमाल किया गया कुर्सी पाने के लिए, और जब कुर्सी पा लिए, अपने चारों तरफ से कुर्सी को सेफ कर लिए, तो जिस बाहुबली के बदौलत आप उस कुर्सी पर बैठे हो उसको निकाल कर दूध में पड़े मक्खी की तरह उठाकर फेंक, तो इसका तो इस्तेमाल होता रहेगा।
और इनका इस्तेमाल बस उतने ही दिनों तक होता है जब तक कुर्सी चाहिए। नीतीश की सरकार रहते हुए पप्पू देव की हत्या हुई थी, तो उस पर क्या लगता है? नीतीश की सरकार रहते हुए भूमियारों को टारगेट किया जा रहा है? नीतीश की सरकार रहते नहीं, नीतीश कुमार के इशारे पर उनकी हत्या हुई। और हत्या में जिस आईपीएस अधिकारी का नाम आ रहा है वो केवल आईपीएस अधिकारी नहीं, वो केवल एसएसपी नहीं, वो केंद्रीय इस्पात मंत्री की बेटी भी, वो नीतीश जी की कथित भतीजी भी। आज गृह मंत्री की बिहार के गृह मंत्री की औकात नहीं है तो उनका ट्रांसफर कर दे सकते। और यदि किसी की औकात है तो एसएसपी लिपि सिंह से पूछा जाए कि वो कृष्णा कुमार कौन है, जिसका नाम बाढ़ केस में भी आया है, जिसका नाम मुंगेर मामले में भी आया है, जिसका नाम अभी पप्पू देव हत्याकांड में भी आ रहा है, वो कौन है? ये डीजीपी की भी औकात भी आपको दिखाता है सच का आईना।